नेहरू जिमखाना में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से दो दिवसीय महाराष्ट्र राज्य सीनियर और लोअर एज ग्रुप चैंपियनशिप 2024 का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर 50 मीटर स्विमिंग कंपटीशन में 26 जिले से लगभग 600 से अधिक स्विमर खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से स्विमर को प्रोत्साहन देने के लिए नवी मुंबई बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप नाइक मौजूद रहे। इस दौरान नेहरू जिमखाना के चेयरमैन शशि पांडे, सेक्रेटरी विकास शेट्टी ने भव्य स्वागत किया, साथ ही विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर आयोजकों ने प्रतियोगिता के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यातलं पार्टिसिपेशन आज या स्पर्धेमध्ये झालेलं आहे। 28 जिल्ह्यांचं प्रतिनिधित्व आज या स्पर्धेत होत असताना जवळपास 700 आसपास स्विमर्स या विविध प्रकारांमध्ये आज या स्पर्धेमध्ये पार्टिसिपेट करतात। या स्पर्धेमध्ये जी मुलं यशस्वी होतील, ज्यांची निवड होते, ते नंतर या सगळ्या स्टुडंट्स राष्ट्रीय स्तरावर हे पार्टिसिपेट करणार आहेत। तर खूप मोठी संधी या स्पर्धेच्या माध्यमातून नवी मुंबईतल्या प्लेयर्सना किंवा नवी मुंबईच्या स्विमर्सना या स्पर्धेमध्ये पार्टिसिपेट होण्याकरता आणि विविध जिल्ह्यातील स्पर्धकांचा स्विमिंग गेम देखील बघण्याची संधी आज उपलब्ध झालेली आहे। मी सर्व जे प्लेयर्स आज या स्पर्धेनिमित्तानं नवी मुंबईमध्ये आलेले, त्यांच्या सोबत आलेले पॅरेंट, त्यांचे कोचेस, या सर्वांचं मी नवी मुंबईमध्ये स्वागत करतो। आज राज्यस्तरीय स्पर्धा नवी मुंबईमध्ये होते, परंतु भविष्यामध्ये राष्ट्रीय स्तराच्या देखील याच्या स्पर्धांचं आयोजन होण्याकरता एक चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर नवी मुंबईमध्ये निर्माण केलं जाईल। आज प्रयत्न केलेली ही फेडरेशन आणि त्याचबरोबर हा क्लब, त्या दोघांचं नेहरू जिमखाना इसके पहले भी स्विमिंग कॉम्पिटिशन अरेंज करता रहा है, और इस बार जो हमें एक सपोर्ट मिला महाराष्ट्र स्टेट एक्वेटिक एसोसिएशन का, वो उसके चलते उसको बहुत अच्छा माइलेज मिला। और जैसा कि अभी आपको बताया गया, करीब 28 डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पूरे महाराष्ट्र, चारों मतलब पूरे महाराष्ट्र में से, और करीब 692 लोग, 692 पार्टिसिपेशंस हुए हैं वेरियस एज ग्रुप में, और बहुत ही बढ़िया प्रतिसाद मिला है। आप देख रहे हैं कि पूरी यहाँ पर चलने की जगह नहीं है, हमारे पूरा प्रांगण जो है पूरा फैमिली के साथ कोचेस वगैरह सभी लोग आए हुए हैं। तो ये हमारा हमेशा एक मकसद यही रहा है नेहरू जिमखाना का कि स्पोर्ट्स में हम जितना कर सकें, क्योंकि ये आज की तारीख में आपने देखा होगा कि बच्चे ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं हैं, सारे अपने गैजेट में और उसी में बिजी रहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालें और वेरियस स्पोर्ट्स में उनको हम उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और बहुत सारा स्पोर्ट्स हमारे यहाँ इसमें चल भी रहा है। और ये जो रिसेंटली हमने ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाया है, इसका जो रिस्पांस मिला है ओवरऑल पूरे मुंबई में, वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत प्रोफेशनल ढंग से हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं, और इसमें हमारे एनुअल मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप, ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और हम बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ से कंपटीशन में प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अपना एक मुकाम बना सकते हैं। तो जिमखाना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेहरू जिमखाना हमेशा तत्पर रहा है कि स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना, और उसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। तभी मैं हमेशा आप लोग के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी इस क्लब के साथ जुड़ें, जिमखाना परिवार के साथ जुड़ें और इसमें अपना योगदान दें, ताकि जो हमारा ये सपना है पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का 6 एकड़ में, वो पूरा हो। और ये पॉसिबल तभी होगा जब सब साथ एक साथ आएंगे और एकजुट होकर के हमारा ये जो संकल्प है इसको पूर्ण करेंगे। थैंक यू। आज टुडे नेहरू जिमखाना इन एसोसिएशन विद महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन एज ऑर्गेनाइजिंग चैंपियनशिप फॉर सीनियर एंड जूनियर लेवल, 692 स्विमर्स आई पार्टिसिपेट, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। दिस चैम्पियनशिप विल रियली गिव स्विमर्स अ प्लेटफॉर्म, एंड फ्रॉम हियर सम स्विमर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल। आई लाइक टू थैंक द महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन ऑफिशियल्स राजू पालकर जी, मिस्टर माने, मिस्टर यूसुफ भाई एंड मिस्टर किरण वैद्य फॉर देयर सपोर्ट, एंड ऑल्सो हार्टफेल्ट my wishes to them because they have held this tournament here in Nehru Gymkhana Pool. So this is something we are looking forward for. So hope
but in future also we'll have no such championship. So I like to thank all the swimmers, participants, the parents who have come here from different districts. This is 2 days event, 24th and 25th. So I like to thank everybody who have participated, the sponsors who came forward, the officials, and all the parents who are here. नेहरू जिमखाना ऑलवेज हर एक स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करता है और ये स्विमिंग पर्टिकुलरली स्विमिंग के लिए क्योंकि हमारे ये नेहरू मुंबई का पहला पब्लिकली ओपन स्विमिंग पूल 50 मीटर का ओलंपिक साइज है और वो ये अभी दूसरी कंपटीशन है राज्य स्तरीय. भविष्य में हम लोग नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन लेने की सोच रहे हैं और उसमें हमें महाराष्ट्र हौशी जलतरण संगठना ने बहुत ही सपोर्टिव है और इसके लिए हम आज ये लेवल पे कंपटीशन कर पाए और ये कंपटीशन अभी यहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो नेशनल के लिए जाएंगे. ये सीनियर एज ग्रुप एंड लोअर एज ग्रुप के दोनों एज ग्रुप के उन्होंने हमने इवेंट रखे हैं वो इसके लिए क्या हो रहे हैं जो सीनियर एज ग्रुप पर देखिए जो लोअर एज ग्रुप इंस्पायर होंगे और अच्छी तरह से आगे भविष्य में स्विमिंग में अपना योगदान देगा या मेडल्स लाएगा और भविष्य में ये भी हम यहाँ से ओलंपियन बने नेहरू जिमखाना से ये हमारी एक आशा है और वो ज़रूर पूरी है. धन्यवाद. इट इज़ अ वेरी बिग इवेंट फॉर द जिमखाना अलॉन्ग विद द महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक फेडरेशन एंड द स्विमिंग इंडियन स्विमिंग फेडरेशन. Around 692 participants have taken part in this and we are very proud to do this event and in future we plan to do many more. Received 400 rupees on Google Pay for business. For a national event pool very soon. This is our new swimming pool which has been made 4 months back and in these 4 months this is the second big event we have done here. Along with swimming, we have many more facilities like tennis, cricket, academy, and our students are, our wards are doing very well in those sports also. And we do many more, other than sports, we do a lot of work for the society too. And hopefully, in future, we do many more such events. Thank you. पहली बार हमने स्टेट चैम्पियनशिप जो ली है जिसमें करीब 28 डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. 692 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया है और ये पार्टिसिपेशन जो है ये इसमें पहली बार हमने टच पैड का इस्तेमाल किया है जिसमें टच पैड का इस्तेमाल इससे पहले अंडर एज कैटेगरी जिसको हम अंडर 6 अंडर 5 अंडर ये एक एज के बच्चे आते हैं यहाँ पर और ये एज के बच्चों को हम जो प्रशिक्षण मतलब ये जो चैम्पियनशिप के ज़रिए से हमने इसको जो अमल में लाया है वहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि नए छोटे बच्चे जो है इनको पहली बार टच पैड यूज़ करने मिल रहा है तो इनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जहाँ पे इसको यूज़ करके ये आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं कि भाई एक स्टार्ट कैसे होता है. सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे नेहरू जिमखाना में न्यू मुंबई में हमने जो पहली बार ये स्टेट चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किया है उस स्टेट चैम्पियनशिप का सभी को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अभी तक ये हमेशा देखा गया है कि मुंबई में या तो पुणे में महाराष्ट्र की जितनी भी चैम्पियनशिप है वो या तो मुंबई या तो पुणे में होते हैं. न्यू मुंबई में और पहली बार नेहरू जिमखाना में ये स्टेट चैम्पियनशिप होना ये इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. फर्स्ट टाइम नेहरू में हम लोग ने कुछ नेशनल सिलेक्शन का कॉम्पिटिशन और खूबसूरत पूल है अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है बहुत सारा कॉम्पिटिशन है आप सभी अरेंजमेंट नेहरू जिमखाना ने इसलिए मैं स्पेशली थैंक करता हूँ नेहरू जिमखाना के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और मुझे प्लेटफॉर्म यहाँ काफ़ी अच्छा दिया इसलिए नेशनल लेवल से बेटर कॉम्पिटिशन हम लोग बन जाता है. सर यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैसिलिटी तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल किया गया है और डेवलपमेंट चालू तो काफ़ी डेवलप होगा आगे लेके उसमें बहुत सारा स्कोप है और ऐसे फ्यूचर में हम ये कर रहे हैं कि हाँ नेशनल में हम लोग
सर आपको किया था आपने आयोजित के लिए फर्स्ट टाइम किया है नहीं जब मैं आके लास्ट हफ्ते विजिट किया उनका फोन देखकर मैंने कन्फर्म कर लिया था बाकी काफ़ी अंदर से लेके काफ़ी हमें बेनिफिट दिया है फर्स्ट टाइम उसे कॉम्पिटिशन हो रहा है महाराष्ट्र में कि लो रेज में तो अभी स्टेट चैम्पियनशिप में नहीं है अंडर सिक्स अंडर सेवन नाइन जो कॉम्पिटिशन है फर्स्ट टाइम लो जनता में से स्टार्ट हो रहा है और ये मिस्टेक थैंक यू छोटे बच्चे ये टच पर जो सिस्टम लगाए हैं इसके अंदर कैसे सम करना है उनको अंडर 11 11 साल के बाद उनको गवर्नमेंट पर टच पर कैसे आवाज़ उड़े पंकज विनोद सिंह रिपोर्ट नवी मुंबई।